तो गाइज वो देख सकते हैं पटना रांची जन शताब्दी एक्सप्रेस पार हो रही है। अभी हम लोग मिले हैं किसी जर्नी के दौरान अपने जर्मन भाई से। Say hello. Hey, hi. Or say about you came from Germany? Yes, I came from Germany. Yeah, oh, how many places you visit in there? Five or six. Five. Yeah. ये रांची वाराणसी वंदे भारत का ये लंच रोज के साथ सभी का वेलकम किया जा रहा है। थैंक यू फॉर इंडियन रेलवे। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी को वापिस से नई सफर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की जर्नी बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम जर्नी करने वाले हैं अपने झारखंड की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस में। जी हाँ गाइस, और आज जर्नी होने वाली है रांची से वाराणसी के बीच में। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये जो वंदे भारत लगी हुई है एक भगवे रंग की है सैफ्रॉन कलर में, और आज इनॉग्रेशन होने वाला है। दिन है 12 तारीख। तो आइए करते जर्नी की शुरुआत। आप सभी को इसका इंटीरियर दिखाते हैं। कुछ चेंजिंग हुई है, जैसे पहले वंदे भारत थी इसके कलर बस चेंज हुए हैं और कहने का मतलब 25 चेंजिंग इसमें बताए जा रहे हैं कि हुए हैं। तो आइए आप सभी को इंटीरियर दिखाते हैं वंदे भारत। सो गाइस, ये अपनी वंदे भारत का पीछे से लुक ये देख लीजिए, सैफ्रॉन कलर में चमचमाता हुआ अपना वंदे भारत एक्सप्रेस। ये है अपने वंदे भारत की फ्रंट। आप सभी को दिखाते हैं अपने वंदे भारत का सैफ्रॉन वंदे भारत का अंदर का इंटीरियर। यहाँ से इसको प्रेस करना है तभी खुलेगा, देख लीजिए। अंदर जाने के बाद ये आपका लगेज एरिया, यहाँ पे आप लगेज रख सकते हैं। और बाद बाकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है सब सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। थोड़ी बहुत 25 चेंजिंग जो किए गए माइनर में है। ये जो आपका ये देख रहे हैं टच लाइट ये सेम ही है। चार्जर पोर्ट के लिए आपके ये नीचे में दिए हैं, यहाँ आप चार्ज कर सकते हैं। और USB पोर्ट लगा के भी चार्ज, केबल लगा करके भी चार्ज कर सकते हैं। 25 चेंजिंग जो है वो माइनर है, वो आप सभी को उतना पता नहीं चलेगा, बाद बाकी सब सेम ही है। तो करते हैं यहाँ आप सभी को दिखाते हैं वीडियो यहाँ से जब डिपार्चर होता है तब का। ट्रेन निकलने से पहले एक लीटर की पानी की बोतल हमें सर्व किया जा रहा है। पानी बोतल के बाद एक न्यूज़पेपर सभी के सीट पर दिए जा रहे हैं। माता की मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। ट्रेन हमारी रांची जंक्शन से रवाना हो चुकी है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय राम, हर हर महादेव। भगवान का नाम लीजिए, हर हर महादेव लीजिए। से रवाना हो चुकी है, हो गया महादेव, शंकर भगवान की। देख सकते हैं क्रेज कितना ज्यादा है वंदे भारत का। जय जय महास्पति, जय जय श्री राम। हेलो, आप बैठे कि नहीं? यात्रा शुरू हो गई है। तो टाटा सिल्वा क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस के साथ सभी का वेलकम किया जा रहा है। थैंक यू फॉर। ट्रेन निकलने के बाद रफ्तार में है पूरी अपनी ट्रेन। 110 की रफ्तार में अभी चल रही है फिलहाल रांची से निकलने के बाद। ये चॉकलेट सभी को दी जा रहे हैं और ये टिश्यूज सभी यात्री को सर्व किए जा रहे हैं। बोतल और न्यूज़पेपर के बाद अब सर्व किया जा रहा है हम लोगों का स्नैक्स, जो कि देख सकते हैं। आप सभी को मालूम है कि स्नैक्स में पैक्ड आइटम दिए जाते हैं, पर जो है आप सबको दिखा देते हैं। इस व्यू के साथ हम आप सभी को दिखाते हैं हमें स्नैक्स में क्या मिला है। ये अनबॉक्स करने के बाद देखिए, सबसे पहले ये नैपकिन है, ठीक है, मिक्सचर का पैकेट है, लड्डू है, दो केचप है, इधर देखिए सैंडविच है, और मेरे में कॉफ़ी का दिया हुआ ये नहीं है। स्नैक्स करते हैं और मिलते हैं आपसे स्टॉपेज पे। स्नैक्स करने के बाद ये लड्डू जो है बेसन का लड्डू, चलिए दिखाते हैं आपको, खा के टेस्ट बताते हैं कैसा है। ऐसे सुने तो है टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है, आज फर्स्ट टाइम खा रहे हैं। मैंने इसको किया था ना मेंशन, कहाँ है तुम लोग का भी है क्या? चलो एक ही आइडिया है ना, तो बोला था मैंने, लिया था इनको पहले शुरू बना लिया। मैरी मराठी बोलता है कमाओ कमाओ मत करवाओ। कैसा स्वागत होता है मुरी में? वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी ट्रेन का पहला होल्ट मुरी जंक्शन, और यहाँ पे 2 मिनट का होल्ट है। कॉमर्शियल में यहाँ भी फर्स्ट स्टॉपेज रहेगा, यही रांची के बाद यही पहुँचेगा। कहने का मतलब ये है कि मुरी में 2 मिनट का होल्ट कॉमर्शियल में भी दिया गया है। इसके बाद डायरेक्ट हम पहुँचेंगे आपका बोकारो स्टील सिटी, और मिलते हैं आपसे डायरेक्ट वहीं। कुछ प्रोग्राम वगैरह यहाँ पे हुआ है जो कि देख रहे हैं आप, चेयर वगैरह लगाया हुआ है। हमारे वंदे भारत एक्सप्रेस को ऑरेंज लिवरी में कैसा लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आप देख सकते हैं। तो भाई अपनी रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस 2 मिनट का हॉल्ट के साथ मुरी जंक्शन से निकल गई है। डिपार्चर फ्रॉम मुरी जंक्शन। तुम जाओ ना, इजी लो में चले जाओ, पता करो है कि नहीं, बोलो सर के लिए भी रेडी करना। आपको हिंदी बताती हूँ, काम करना बंद हो गया। लांची क्या क्या कटोरी चम्मच और चम्मच वगैरह मोड़ा हुआ है, चम्मच होगा ना? नहीं है ना, राणा जी के पास जाइए, राणा जी को ना हम अलग से चढ़ाए हैं, चढ़ाए ये डाल दूंगा, दाल हो गई, ये डाल सकते हैं। प्लेटफॉर्म 5 एक ऑलरेडी चला गया है। प्लीज रिमेंबर टू टेक ऑल योर बिलोंगिंग्स विद यू। आप एक काम करिए, रख लिया भारतीय रेल के साथ यात्रा करने के लिए आपका जगह है 40 हो गया ना, इसके ऊपर रख दो। नौ मिनट बिफोर। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन का दूसरा हॉल्ट बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे अपनी ट्रेन का आज के लिए 5 मिनट का स्टॉपेज है, और बाकायदा और दिन यहाँ भी 2 मिनट का स्टॉपेज होने वाला है। ये आपका दूसरा नंबर हॉल्ट है रांची के बाद। 110 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग कवर कर चुके हैं, और बता दूं कि बोकारो रेलवे स्टेशन पे पहली बार यहाँ पे वंदे भारत का आगमन हुआ है। इससे बहुत खुशी की बात है क्योंकि हम भी बोकारो से ही हैं, और ये वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ से रांची से वाराणसी के बीच कोई भी ट्रेन इससे पहले नहीं चलती थी वाया बोकारो, ये आपका गोमो, कोडरमा, गया के रास्ते बनारस के लिए। पर अब इस वंदे भारत को आने से बहुत ही फ़ायदा होने वाला है सभी पैसेंजर को। कि हैं हम बिहार से पर रहते हैं यहाँ बोकारो में, ये मत समझिए कि हम यहीं के हैं, हम बिहारी हैं पर रहते हैं बोकारो में। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टॉपेज में। तो बोकारो रेलवे स्टेशन से डिपार्ट हो चुकी है अपनी वंदे भारत। तो वो सब देख लेना, क्या नाम है, और काफी स्पीड में यहाँ क्रॉस कर रही है बोकारो स्टील सिटी। अच्छा है वही दे रहा था डॉक्टर मना किया तो छोड़ दो अभी हाल फिलहाल, तो ठीक है बाकी देख लेंगे। कोई गरम में लगा 20-30 तो गरम में लगा, कितना पैसेंजर है देख लेना, उतना ही गरम कर लेना, बाकी ज़्यादा मत करना, ठीक है उतना ही करना जितना कोई पैसेंजर। क्रॉस कर रहे हैं बारिश में और पटना रांची येलो प्लेटफॉर्म नंबर 3। गाइस वो देख सकते हैं पटना रांची जन शताब्दी एक्सप्रेस पार हो रही है, एकदम छुप के निकल गई साइड से। तो गाइस अभी हमने पार किया गोमो जंक्शन। बारह बज के 30 मिनट हो रहे हैं, यानी 12:30, और अभी हम लोग को सर्व किया गया है ये लंच। चलिए इसको खाते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं। सो गाइस ये है वंदे भारत का हमारा लंच। तो देखिए यहाँ ये हमें मिला है दाल, ये पनीर का सब्जी है, और इधर मिक्स वेज है, ये दो रसगुल्ले हैं, काले जामुन, और ये देखिए ये राइस है, जीरा राइस, और ये है आपका दही। तो टेस्ट करते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं आपका ये पनीर का सब्जी। ठीक है, एक चीज सही है कि जितने भी सब्जी है या दाल वगैरह सब गर्म है। हॉट के सोने का फायदा है वंदे भारत में। एक वक्त ही पहुंच गया हम लोग कोडरमा जंक्शन। अभी अपनी ट्रेन जस्ट लग रही है, और ये जो है लास्ट स्टॉपेज है झारखंड का। इसके बाद ये ट्रेन डायरेक्ट रुकती है गया में, उसके बाद सासाराम, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, और उसके बाद बनारस जंक्शन पे। तो पहुंच चुके हैं हम लोग कोडरमा जंक्शन, और ये अपनी ट्रेन लास्ट झारखंड का स्टॉपेज है। इसके बाद हमारा ट्रेन को पहुंचेगा गया जंक्शन, और यहाँ पे जो स्वागत है सबसे अलग। चलिए बैंड बाजा का स्वागत था अपनी ट्रेन का, चलिए आपको दिखाते हैं। मैं हूँ अभी फिलहाल रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस में, और सामने देखिए ये वॉशरूम में अंदर में सामने मिरर है जो कि एकदम मस्त चमचमाता हुआ है, साइन कर रहा है। और नीचे में देखिए ये वाटर ड्रैप पानी प्रॉपर वे में आ रहा है और आगे भी आते रहेगा। और ये आपका ड्रायर, और ये आपका ऑटोमेटिक सोप, ये देखिए, और ये ड्रायर। बात की जाए तो ठीक ठाक है, क्लीन है। वॉशरूम में आते हैं तो अगर वॉशरूम यूज करते हैं तो जरूर फ्लैश का यूज किया करें, नहीं तो ऐसे जाम हो जाता है, दिक्कत होता है। अभी हम लोग मिले हैं इसी जर्नी के दौरान अपने जर्मन भाई से, तो से हेलो और से अबाउट यू केम फ्रॉम जर्मनी। यस आई केम फ्रॉम जर्मनी। हाउ मेनी प्लेस यू विजिट इन देयर? Five or six, was mainly in Bihar. And how is your experience? Oh, very great. Yeah, very great. Yes. So you like India? Yes, definitely. Oh, I am also like Germany. So thank you. So once again also, yeah. Nice to meet you. Yeah. तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं 301 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके गया जंक्शन, और यहाँ पे हम लोग डिपोर्ट कर रहे हैं अपने ट्रेन को। ये ट्रेन तो जाएगी वाराणसी तक, पर हम लोग डिपोर्ट कर रहे हैं यहीं पर कुछ रीजन की वजह से। तो चलिए इस ट्रेन का टाइमिंग और कोच कंपोजिशन के बारे में आप सभी से बात कर लेते हैं। ये ट्रेन चलती है रांची से वाराणसी के बीच। 18 तारीख से इसका कमर्शियल रन शुरू हो जाएगा। और बता दें कि ये ट्रेन 8 कोच के साथ चलेगी। 538 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 7 घंटा 50 मिनट का समय लेगी। और अगर आप इस ट्रेन में सीसी कोच में जर्नी करेंगे तो उसका कोस्ट पड़ेगा 1505 रुपया। यही आप एग्जीक्यूटिव चेयर कार में जर्नी करेंगे तो उसका पड़ेगा 2725 रुपया। और इस फेयर में आपका खाना इंक्लूड है। चलेगी सुबह 5:10 पे रांची जंक्शन से, और ये ट्रेन पहुंचाएगी दोपहर 1 बजे वाराणसी जंक्शन। तो ये है इसका टाइमिंग रांची से वाराणसी के बीच चलने की। तो चलते हैं इस ट्रेन जर्नी को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खाइए पीजिए, मस्त रहिए, और लगातार भाई का वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे कुछ भीड़ देखने को मिला है। ये देखिए कुछ कार्यक्रम इधर चल रहा है।